कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में आपको सुबह है ना आज ही देखने को मिलेगा। 100% सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से फंस रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अनिषेचित अंडे से बीज का विकास कहलाता है एपोगेमी। मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात को कहते हैं जैविक इंडेक्स। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है माइकोराइजा। कौन सा एंजाइम अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में सहायक है एमआरएनए। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है दोमट मृदा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है बच्चों, है ना, ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में आपको अंडा से भरना है, दूसरे में मटर आ जाएगा, तीसरे में आपका जैव उर्वरक है, पीसीआर का सर्वप्रथम केरी भी मुलिस आ जाएगा, बीटी का जाएगा जैव विष ये आ जाएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन देख सकते हैं इतना हो गया है। जोड़ी ये है आपके 5 और पहला क्या है आपका देख लीजिएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है इसका मिलान आपका यूरीथ्रा से करना है। प्रतिजैविक आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पटाऊ संरक्षण। 13वां जो एकाधिकता रहेगा उसके कारण माइकोराइजा का सहजीविक संलग्न पारजीनी जंतु का जाएगा पारजीन, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से हो गया है, ठीक है भैया। अब एक वाक्य में उत्तर है। पराग कणों का अंताचोल किसका बना होता है, सेल्युलोज और पेक्टिन का। सेल्युलोज और पेक्टिन, जिप्ट का पूरा नाम आपको लिखना है तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। लिंग संलग्नता का कोई एक उदाहरण आपको देना है वर्धनता। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए लेक्टो बेसिलस। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार को नियंत्रित को क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण। हो गया। इसके बाद में ये आपका हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भरेंगे यहाँ से। अब है सत्य असत्य, ये आपके 5-6 आपके सत्य सत्य है, जिसमें से पहला जो है वो असत्य रहेगा, दूसरा जो है सत्य भर लेना आपको, तीसरा सत्य कर देना है, चौथा सत्य है, पाँचवा गलत है और छठा आपका सत्य रहने वाला। बढ़िया से पढ़ा लीजिएगा आप तो इनमें से फंसेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान से देखिएगा, प्रश्न उत्तर पर विशेष फोकस करिएगा, इनमें से आने वाले है ना। मनुष्य के व्रसन के अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाना है। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करिएगा। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, एक्रोसोम के कार्य लिखना है, IUD क्या है, गिफ्ट क्या होती है समझाइए, समझात अंग को उदाहरण सहित समझाना है, समवृत्ति अंगों को उदाहरण सहित बताना है। हो गया इतना। समवृत्तता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, निषेचन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया है। ये 12 देखिएगा, प्रतिजैविक क्या है, ऊर्जा का प्रवाह। अंडानुजनन का नामांकित चित्र बनाना है, शुक्राणुजनन का नामांकित चित्र आलेख बनाना है भैया, ठीक है। लुप्त प्रयास संकटापन्न प्रजाति किसे कहते हैं, हाइड्रोसियर व जीरोसियर में अंतर। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। व्यवसन क्या है, इसके प्रमुख कारण जो मैं आपको 4 सेट दे रहा हूँ, इसका सी सेट है, ए और बी को जरूर करिएगा और ये सी और डी 4 सेट करने बस केवल उनमें।
पारिस्थितिक तंत्र,